तो दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बनाकर सॉलिडवर्क्स में किस तरह से हमने इसको बनाया, और सिंपली इसको बनाने के लिए हमने इसमें यूज़ किया है कि किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स को यूज़ करके एक्सेस क्रिएट कर सकते हैं उसके इंटरसेक्शन पर। और हमने इसमें होल क्रिएट करे हैं और ये हमने इसमें क्रिएट किया है, लेफ्ट साइड में हम इसका ट्री देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले प्लेन जो कि होगा हमारा फ्रंट प्लेन, और करते हैं फ्रंट प्लेन पर क्लिक, और क्लिक करने के बाद क्रिएट कर लेते हैं प्रोफाइल को। तो सिंपली प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए हम इसमें लेंगे यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल, क्लिक करने के बाद ओरिजिन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से क्रिएट कर लेंगे प्रोफाइल को। देन अगेन लेते हैं लाइन टूल और इस तरह से यहाँ पर करेंगे क्रिएट। इस पॉइंट को लेंगे और लेंगे ओरिजिन को हॉरिजॉन्टल, ट्रिम करते हैं इस वाले पोजीशन को और इसको यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं मैन्युअली। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं लाइन टूल और इस तरह से यहाँ पर भी क्रिएट करनी है प्रोफाइल, इसमें भी कर देते हैं इस वाले पोर्शन को यहाँ पर ट्रिम। ओके अगेन लेते हैं लाइन टूल और क्लिक करते हैं यहाँ पर जहाँ पर कर्सर हो रहा है, वर्टिकल लाइन लेते हैं कुछ इस तरह से, कर्सर को मूव करेंगे एक डिस्टेंस पर, अगेन लाएंगे इस पर तो यहाँ पर हमारे पास आर्क क्रिएट होगी कुछ इस तरह से। तो इसको क्रिएट करने के बाद क्लिक करेंगे और अपवर्ड ले जाएंगे लाइन टूल को कुछ इस तरह से। ओके तो यहाँ पर इसको इक्वल रखने के बाद यहाँ पर अगेन करते हैं कुछ इस तरह से आर क्रिएट अकॉर्डिंगली। इसलिए इसमें यहाँ पर हम लाइन ही ले लेते हैं, करते हैं क्लिक और लेते हैं लाइन। ओके तो यहाँ पर लाइन लेने के बाद एक यहाँ पर क्रिएट करते हैं लाइन और ट्रिम कर देते हैं इस वाले पोर्शन को, और इसके बाद इस लाइन को भी कर देते हैं डिलीट और लेते हैं हम यहाँ पर 3 पॉइंट आर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, इन दोनों को करेंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद टेंजेंट, सेम इसी तरह से इन दोनों को भी कर देते हैं यहाँ पर टेंजेंट। ओके तो सिंपली टेंजेंट करने के बाद अब इसमें कुछ पोर्शन जो हमारा बचा हुआ है उसको कर देंगे यहाँ पर हम ट्रिम। तो सिंपली ट्रिम करने के लिए इसमें ले लेते हैं यहाँ पर ट्रिम टूल, इस पोर्शन को ट्रिम कर देते हैं और यहाँ पर हमको करना है ये वाला पोर्शन ट्रिम। ओके तो सिंपली इतना करने के बाद इसमें डायमेंशन लेंगे और ये वाला डिस्टेंस दे देते हैं जो कि हम करते हैं इसमें 0.8। तो सिंपली इसी तरह से सभी डायमेंशंस को वन बाय वन दे लेते हैं। ये सभी डायमेंशंस को देने के बाद हमारा जो स्केच है वो इस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। तो सिंपली हमारा जो स्केच है इसमें हमने सभी डायमेंशंस दे दिए हैं ऑलरेडी, और ये आप देखेंगे जो हमने दिया था 0.8 और यहाँ पर हमको देने से 0.3। आप इसका स्क्रीन कैप्चर लेने के बाद इस तरह से डायमेंशन दे सकते हैं और यहाँ पर ये हमारा 48.83 का एंगल है। तो इस तरह से सभी डायमेंशन और रेडियस देने के बाद आपको आना है यहाँ पर फीचर्स में और करते हैं इसके यहाँ पर एक्सट्रूड। तो सिंपली इसको जो एक्सट्रूड करना है वो करना है यहाँ पर 0.32 लेते हैं इसमें 0.32। ओके तो मेक श्योर करना है आपको कि ये जो हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं ये हमारा इंचेस में हमने इसको रखा हुआ है। तो इसको लेने के बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर मिड प्लेन। ओके तो इतना करने के बाद अगेन लेते हैं इस वाले फेस को स्केच करते हैं यहाँ पर। सेंटर से फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड करेंगे इसको
तो सरफेस करने के बाद सरफेस सिलेक्ट करते हैं, ओके, कंट्रोल सेवन करते हैं आइसोमेट्रिक के लिए, और रिवर्स साइड में यानी कि इस साइड में स्केच कर लेते हैं क्रिएट। तो ये जो स्केच है ये हमको करना है यहाँ पर कुछ इस तरह से क्रिएट। इसमें डायमेंशन दे देते हैं 0.75, और जो बॉटम से हमारा इसका डिस्टेंस होगा यानी कि इसके सेंटर पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस 0.68 ले लेते हैं इसको। ये वाला डिस्टेंस भी दे देते हैं जो कि हमको लेना है 1.06। फीचर्स में आएंगे और करते हैं इसको यहाँ पर एक्सट्रूड। तो सिंपली इसको जो एक्सट्रूड करना है वो करना है हमको यहाँ पर 0.04। ब्लाइंड सेलेक्ट करेंगे 0.04 हमने एंटर कर दिया है, ओके करते हैं इसको। और ओके करने के बाद अभी इसमें हमको क्रिएट करना है कट, इसी फेस को लेते हैं और स्केच करते हैं यहाँ पर 0.63 सर्कल। इसमें डायमेंशन 0.63। फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड कट कर देते हैं इसको यहाँ पर। तो ये जो हमको कट करना है ये लेना है यहाँ पर 0.13, ओके। सेम इसी तरह से वन मोर कट करना है जो कि हमारा डायमीटर होगा उसका 0.55। सर्कल लेते हैं इस वाले ओरिजिन पर, इसमें डायमेंशन दे देते हैं इसको भी 0.55, ओके। और सिंपली इतना करने के बाद फीचर्स में आएंगे और करते हैं इसको एक्सट्रूड कट। इसमें ले लेते हैं यहाँ पर थ्रू ऑल, और इसको थ्रू ऑल करने के बाद अभी हमको क्रिएट करना है इसमें नेक्स्ट फीचर। तो जो हमारा होगा इसमें फिलेट और चैम्फर, तो सबसे पहले दे देते हैं हम यहाँ पर फिलेट। ड्रॉप डाउन में आएंगे फिलेट के में चैम्फर पर क्लिक, और क्लिक करने के बाद 0.05 का लेंगे चैम्फर। एंगल रखना है हमको यहाँ पर सेम 45, ओके। तो 0.03 के हमको यहाँ पर देना है इसमें फिलेट। अगेन सेम फिलेट लेते हैं और लेते हैं यहाँ पर ये वाली कॉर्नर्स। इस बार जो फिलेट है वो हमको लेना है यहाँ पर 0.19, ओके। कंट्रोल सेवन करते हैं इसको, अगेन देते हैं फिलेट जो कि हमको लेना है इस बार 0.02। तो सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर हमको आना है और वन बाय वन ले लेते हैं सभी को, ओके। रोटेट करते हैं इसको इस साइड में, ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद अभी हमको इसमें क्रिएट करने हैं प्लेन्स। तो कंट्रोल सेवन करते हैं अगेन और क्रिएट करते हैं फर्स्ट प्लेन। तो यहाँ से लेना हमको इसको 1 फ्लिप, ओके। अगेन लेते हैं प्लेन बॉटम फेस से जो कि हमको डिस्टेंस रखना है 0.16, ये भी हमको रखना है फ्लिप।
अगेन लेते हैं यहाँ पर प्लेन, इस वाले फेस से ले लेते हैं इसको जो कि अपना 0.25। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद एक्सेस पर करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद टू प्लेन्स पर लेंगे और यहाँ पर प्लेन टू एंड प्लेन थ्री को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक एक्सेस क्रिएट होगा जो कि आप येलो कलर में देख रहे हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए ही मैं यहाँ पर ये प्लेन्स क्रिएट किए थे। तो इतना करने के बाद अभी हमको इसमें क्रिएट करना है सर्कल, तो ले लेते हैं इसको यहाँ पर इस वाले फेस से स्केच करेंगे। इसमें डायमेंशन 0.32 और इसको लेने के बाद लाइन लेते हैं और यहाँ पर इसको कर देंगे क्लोज। ट्रिम करते हैं इस वाले पोर्शन को, फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड करते हैं इसको भी। तो ये जो हमको एक्सट्रूड करना है वो लेना है हमको यहाँ पर अप टू नेक्स्ट जो हमने प्लेन क्रिएट किया हुआ, या फिर अप टू सरफेस इस तरह से। ओके, सभी प्लेन्स को ले लेते हैं यहाँ पर, हाइट कर देते हैं इस वाले एक्सिस को, करते हैं सिलेक्ट और कर देते हैं हाइट। अभी लेते हैं अगेन फ्लिट, इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं कॉर्नर्स को, कर देते हैं यहाँ पर इसको ओके। और अभी क्रिएट करना है यहाँ पर हमको इसको होल, होल विजार्ड में आएंगे। ओके, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल होल क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हमको लेना है इसका साइज जो कि हमको लेना 0.125। इसको ले लेते हैं यहाँ पर थ्रो ऑल, तो चलिए डायरेक्ट हम इसमें होल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर हमको सर्च करने में टाइम लगेगा, तो इससे बेटर हम यहाँ पर डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड कट करेंगे इसको। ओके, और सिंपली इतना करने के बाद अगेन क्रिएट करेंगे 0.5 के डिस्टेंस पर एक प्लेन जो कि होगा हमारा इस प्लेन से 0.5। फ्लिप करते हैं इसको भी। ओके, स्केच, फीचर्स में आने के बाद रिपेयर करेंगे क्लिक और ओके कर देंगे बाय डिफॉल्ट 0.1 इंच लेने के बाद इसको, तो यहाँ पर हमारा ये रिप क्रिएट हो जाएगा। फ्लिट कर देते हैं इसको भी, ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद अभी हमको इसमें क्रिएट करना है वन मोर प्लेन जो कि हमारा बॉटम से 1 के डिस्टेंस पर होगा। इस वाले फेस को लेते हैं, प्लेन पर करते हैं क्लिक 1 एंटर, फ्लिप करते हैं
और फिर यहाँ पर ओके स्केच अगेन कंट्रोल सेवन सॉरी कंट्रोल एट फ्लिप के लिए और इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पे सर्कल कर देते हैं यहाँ पर इसको टेंजेंट ओके सेम एज इट इज तीनों साइड टेंजेंट करने के बाद फीचर्स में आएंगे एक्सट्रूड कर देते हैं इसमें यहाँ पर तो सरफेस में लेते हैं इस सरफेस को अगेन लेते हैं यहाँ पर और स्केच करते हैं इस फेस पर सेम लेते हैं हम यहाँ पर सर्कल सर्कमफेरेंस पर लाएंगे और क्रिएट कर लेंगे कुछ इस तरह से एक सर्कल फीचर्स में आएंगे एक्सट्रूड कट कर देंगे इसको यहाँ पर फ्लिप करते हैं और कर देते हैं इसको ओके 0.13 के डिस्टेंस पर और प्लेन को कर देते हैं यहाँ पर हम हाइट तो सिंपली इतना करने के बाद फ्लेट दे देते हैं यहाँ पर इसको भी जो कि होगा हमारा यहाँ पर 0.02 फ्लेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर इस सर्कल पर इस सर्कमफेरेंस पर ओके इसको क्लिक करने के बाद अगेन लेते हैं इस वाले फेस को स्केच करते हैं यहाँ पर ले लेते हैं इसको यहाँ पर जो कि हमको लेना है अगेन सेम 0.112 फीचर्स में आने के बाद इसको भी करना है हमको एक्सट्रूड कट और ये जो हमको एक्सट्रूड कट करना है वो लेना है 0.32 ओके तो सेम इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी करेंगे इस फेस को लेते हैं और स्केच करते हैं यहाँ पर भी ले लेते हैं दोनों सर्कल्स को इक्वल कर देते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि हमको लेना है इसको 0.44 0.112 फीचर्स में आएंगे एक्सट्रूड कट करेंगे इसको यहाँ पर जो कि हमको सेम इसमें भी देना है 0.32 और इसको कट करने के बाद लास्ट हमको देना है इसमें फिलेट तो फिलेट टू ले लेते हैं और 0.19 लेंगे इसमें रेडियस 0.19 ओके सिंपली इतना करने के बाद जो हमारा मॉडल है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है तो इसमें चलिए यहाँ पर भी एक क्रिएट कर देते हैं होल डायमेंशन दे देते हैं इसको भी 0.22 फीचर्स में आने के बाद इसको भी कर देते हैं कट ये जो कट करना है 0.15 ओके अगेन लेते हैं इसके अंदर वाले फेस को स्केच करते हैं यहाँ पर भी
क्रिएट कर लेंगे अगेन सेम 0.112 का एक सर्कल, और इसको लेने के बाद इसको भी कर देते हैं यहाँ पर सेम एक्सट्रूड कट। तो इतना करने के बाद आप देखेंगे जो हमारा मॉडल है तो इस तरह से शो हो रहा है। इस वाले प्लेन कर देते हैं हाइट। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।